ये है व्यूअर्स हमारी आज की रेसिपी, जो डाइटिंग वालों के लिए भी है और वैसे भी जो हेल्दी खाते हैं ये उन लोगों के लिए भी है। बहुत से लोग जो है वो गोश्त नहीं खाते, वेजिटेरियन जो होते हैं ये उनके लिए बेहतरीन बिरयानी है। उनका भी दिल चाहता है कि बिरयानी खाएं और ये बिरयानी उनके लिए ही है। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर दिल चाहे तो शेयर भी कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं एक मज़ेदार सी बिरयानी, जो है मसूर की दाल की बिरयानी। बिरयानी आपने बहुत खाई होंगी, मटन की, बीफ की, चिकन की। आज ये हम बना रहे हैं मलका मसूर, इसको बोलते हैं। इसकी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनती है और उन लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छी है जो वेट लॉस करते हैं, जो डाइटिंग वाले हैं उनका भी दिल चाहता है कि बिरयानी खाएं, तो गोश्त और चिकन विकन तो वो खाते नहीं हैं। आज की बिरयानी उन लोगों के लिए भी बेस्ट है। इसमें हमने लिए है 1 किलो हमने चावल लिए हैं बासमती, इसको भिगो दिया है। 3 पाव हमने ली है ये साबित दाल, इसको हमने भिगो दिया है। इसमें डलेंगे आलू, ये है लीमू, हरी और लाल मिर्चें हैं, टमाटर है और अदरक लहसुन है। 1 पैकेट जो है मसाला है बिरयानी का, ये है गरम मसाला होममेड है, ये है हल्दी है, ये शाह ज़ीरा है जो काला ज़ीरा भी बोलते हैं, ये है धनिया और सफ़ेद ज़ीरा, ये नमक है और ये है पेपरिका, आप कश्मीरी मिर्च भी डाल सकते हैं। अच्छा, 1 कप दही है, 1/2 कप जो है लीमू का रस है और 1/2 कप ही है हमारे पास ये इमली का पल्प है, ये है थोड़े से आलू बुखारे और हमारे पास ये है केवड़ा है। और जो साबुत मसाले डालेंगे वो है जायफल जावित्री है, ये दालचीनी है, तेज़पात है, बादियान के फूल हैं, लौंग है और ये इलायची है। सबसे पहले हम ये करेंगे कि हम इसको बॉईल करेंगे, फुल बॉईल हमने पकाना नहीं है, हमने इसको 30-40% जो है इसको गलाना है। इसको हमने बहुत ज़्यादा नहीं गला, इसको सिर्फ हमने 5 मिनट जो है बिल्कुल, ये देखिए ज़रा सा सॉफ्ट हुआ है, ये हमें इतना ही चाहिए। और इसे हमने ठंडे पानी से ऊपर से वॉश कर दिया ताकि इसका कुकिंग जो है वो रुक जाए। ये देखिए आलूओं को हमने जर्दे का कलर डाल के थोड़ा सा कर दिया है, क्योंकि जो बिरयानी में असल जो आलू का कलर होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आलू का कलर जितना, ये देखिए इतना खूबसूरत होगा, उतने ही ये देखने में अच्छा लगेगा। ये देखिए आलू हमारे हो गए हैं फ्राई, अब इसको हम निकालेंगे। ऑयल में हम डालेंगे लहसुन, डालेंगे इसको थोड़ा सा सौते करेंगे। अच्छा, मैं आपको बताना भूल गई थी, इसमें प्याज भी हमने लिया है 1 कप। ये जो मसाला है इसे हम दही में डाल के मिक्स करके फिर इसके अंदर डालेंगे। ये हम इसलिए करेंगे ताकि मसाला जल ना जाए। ये देखिए हमने मसाला मिक्स कर दिया है, अब हम इसे लहसुन में डालते हैं। दही का पानी खुश्क हो गया है, अब इसके अंदर हम डालेंगे ये टमाटर और इसको इसके साथ भूनेंगे। ये है जायफल और जावित्री, हमने कूट दिया है, इसके अंदर डाल दिया है हमने। और पानी हमने रख दिया है, पानी के अंदर हमने ये मसाले भी डाल दिए हैं। तड़का देखिए हमारा बहुत अच्छे तरीके से भुन गया है। इसके अंदर डालेंगे हम अपना जो दाल था वो इसके अंदर हम डालेंगे। और साथ में हम अपने आलू भी डालेंगे इसके अंदर। अभी हम इसके अंदर डालेंगे प्याज, इसको इसके साथ थोड़ा सा भूनेंगे, ज़्यादा हम नहीं भूनेंगे कि दाल बहुत ज़्यादा गल ना जाए। अब जो है हम इसके अंदर डालेंगे ये आलू बुखारे, इमली का पल्प, इससे ये बहुत ज़्यादा चटपटी बनेगी। और ये है 1/2 कप नींबू, इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे
और ये हो गया है डन। ये देखिए ऑयल ऊपर आ गया है, हमारा तड़का हो गया तैयार, पानी उबल गया है। अब हम इसके अंदर चावल डालेंगे। इसमें हमने नमक डाल दिया है, जैसे बिरयानी के लिए आप चावल बॉईल करते हैं उसी तरह का ये भी होगा। हमारा हो गया है, अब हम इसको बंद करके चावल निकालते हैं। ये देखिए इसमें थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे, तेल डालते हैं उसी तरह बिरयानी की तेल डालनी है हमने। ये हम डालेंगे थोड़ा सा जरदा नीचे, और ये हम डालेंगे अपना तड़का। इतनी मजे की खुशबू आ रही है इसके अंदर से। अब इसके ऊपर फिर ये डाल दे चावल, और ये थोड़ा सा जाएगा हरा मसाला। अब दोबारा हम डालेंगे अपना तड़का। ये इतनी हेल्दी है और उतनी ही ये मज़े की है, ख़ास तौर पे वो व्यूअर्स जो डाइटिंग पे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। ये सारा डालेंगे इसके अंदर हम, ये थोड़े से स्लाइस लेमन की भी डालेंगे, ये और हम अपना बाकी तड़का भी डाल देंगे। और फाइनली हम ये तमाम चावल अपना इसके ऊपर डाल देंगे। अब हम डालेंगे इसके ऊपर, ये देखें केवड़ा डलेगा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू के लिए। अगर आपके पास ये केवड़ा नहीं है तो आप जो है ये बिरयानी एसेंस भी मिलता है ये ले लें, इसको इस्तेमाल कर लें। मैं दोनों ही डालती हूँ थोड़ा थोड़ा। और अब हम डालेंगे अपना जो फूड कलर है, जर्दे का रंग जो हमने दूध में घोला हुआ है वो भी इसके अंदर डालेंगे, और सिंपली इसको ढक्कन बंद करके दम पे रखेंगे। बिरयानी गई दम पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें ये हमारी बिरयानी हो गई दम। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाह, क्या तो इसके अंदर से निकल रहा है धुआं। माशाल्लाह माशाल्लाह से क्या तो इसकी खुशबू आ रही है, और क्या तो इसका कलर आया है। ये ज़रा देखिए हमारी मसूर की बिरयानी जो है वो तैयार हो गई है, और इतनी मज़े की लग रही है। अब देखें कि इसकी जो फाइनल लुक आई है वो कितने मज़े की आ रही है। और अब हम आपको ये देखें टेस्ट भी, ये देखें कितनी इसकी इतनी खुशबू आ रही है कि पूरे घर में फैली हुई है। और ये देखिए इसमें आलू कितना खुश खुश है इसके अंदर, देखिए ये आप इसको खाएंगे तो आप बाकी बिरयानी और गोश्त और मुर्गी की बिरयानी जो है वो आप भूल जाएंगे। साबित मसूर की बिरयानी ये बहुत मज़े की और बहुत ही डिलीशियस होती है, और जिस तरीके से हमने बनाई है ये बहुत ही चटखारेदार इसको बोल सकते हैं आप, क्योंकि इसमें जो हमने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा इसका जायका जो है वो निखर के सामने आया है। और ये देखें इसका इन लग कितने मज़े की रही है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और इसे ट्राई ज़रूर करेंगे। अगर आप गोश्त और चिकन की बिरयानी खा के बोर हो तो ये एक नई बिरयानी की डिश है, इसे ट्राई ज़रूर करें।